बड़ा ही फुर्तीला दोस्त हूँ और काफी दिनों से हैं, जो काफी टाइम से यहाँ पर आ रहा है। जय माँ करनी की दोस्तों, जय गो माता की। मैं श्याम गोविंद सर और मेरे YouTube Facebook पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों ऐसे ही हमारा जो सफर है हमेशा जारी रहता है, दिन रात चलता रहता है। रात को भी मेरे पास कॉल आया था इनका, आज जिस रेस्क्यू में हम जा रहे हैं वहां पर ये रात का कॉल आया हुआ है, लेकिन रात्रि ज्यादा होने के कारण उन्होंने कहा चलो आप सुबह ही आ जाना। उनके घर के अंदर दोस्तों एक कोबरा स्नेक घुसा हुआ है। यहाँ यात्रा की लोकेशन पर पहुंचे हैं, बाबा रामदेव जी का मंदिर यहाँ पर दोस्तों प्रसिद्ध है और यहाँ पर मैं यात्रा लोकेशन पर आ चुका हूँ। यहीं पे है जो एक रात्रि को स्नेक गया था और उनके घर के अंदर घुस गया था। जो कमरा है नीचे गेट के नीचे दरिया दे रखी हैं और कमरे को चारों तरफ से बंद कर दिए गए हैं। जो बारी और होती हैं, जो भी गेट और रखे हुए होते हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं और वो हमारा दोस्तों बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से जाते हैं वहां पर, करेंगे रेस्क्यू। बढ़ते मौसम के अनुसार है जो दोस्तों सांपों की संख्या है वो हमारे घरों तक पहुंच रही है। जो सांपों की तादाद है वो हमारे घरों तक पहुंच रही है, आसपास है जो बाढ़ के कारण है, सारे क्षेत्र पानी से भर गए हैं। ऐसे में दोस्तों नजरें जमाए रखे, सतर्क रहे, सावधान रहे, दुर्घटना कहीं पर भी घटित हो सकती है क्योंकि सांप है जो हमारे गांवों की तरफ चले आए हैं, कहीं ना कहीं अपना निवास ढूंढते हुए दोस्तों, क्योंकि सारे जगह पे पानी भर चुका है और जगह जगह पे हैं जो प्लांट लग चुके हैं, सोलर प्लांट और अलग अलग प्रकार के ऐसे प्लांट लग चुके हैं जिनके कारण इनकी जो जगह थी वो दोस्तों खत्म होती जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों हम वहां पर चलेंगे और करेंगे रेस्क्यू। पर्यावरण को भी बचाए रखें दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण रहेगा तो मनुष्य का जीवन रहेगा, नहीं तो मनुष्य का जीवन भी नहीं बचेगा। और दोस्तों कुछ लोग वीडियो को देखकर बोलते हैं कि तू भाई एक ही सांप लिए घूमता, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर 150 किलोमीटर भी जाना होता है तो वो बुलाना चाहते हैं तो हम वहां पर भी पहुंच जाते हैं दोस्तों, वो लेने आ जाते हैं, हम चले जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों दिन में मेरे पास हैं जो 10 कॉल आते रहते हैं, 10 कॉल रेस्क्यू के होते हैं, लेकिन कॉल बहुत ज्यादा आते हैं जो मैं बाहर कर नहीं पाता। यूपी ऐसे बहुत जगहों पर, मतलब राजस्थान से भी बाहर से कॉल आते रहते हैं, तो हर जगह पहुंच नहीं पाता हूँ। और कोबरा हमारे क्षेत्र के अंदर दोस्तों बहुत ही ज्यादा संख्या के अंदर है दोस्तों, क्योंकि कोबरा आस्था से जुड़ा हुआ है स्नेक और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कोई भी मारते नहीं है, तो इसलिए है जो यहाँ पर है कोबरा स्नेक की संख्या बहुत ज्यादा है और ये कहीं ना कहीं भटकते हुए अपने शिकार के पीछे या पानी की तलाश में या फिर अपना निवास ढूंढते हुए दोस्तों ग्रामीणों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों यात्रा की लोकेशन पर, सामने बोर्ड लगा हुआ है, यात्रा गांव पर हम पहुंच चुके हैं जो गोविंद सर गांव से है जो 25 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। तो आ चुके हैं और करेंगे रेस्क्यू। वीडियो के लास्ट तक दोस्तों बने रहे, वीडियो में किसी भी प्रकार की क्लिप की नकल करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, नहीं तो आपकी किसी भी क्षण दोस्तों जान जा सकती है। घर का मालिक है जो हमें लेने के लिए पहुंच चुका है और जल्दी से लोकेशन पर जाकर करते हैं रेस्क्यू। ये दोस्तों यहाँ पर है जो करेला की डालियां बनी हुई है, यहाँ पर लगभग 10-8 डालियां बनी हुई है, यहीं पे है वो सामने शायद रूम बंद दिखाई दे रहा है, मैं इसी रूम के अंदर शायद कोबरा स्नेक है। तो इसी रूम के अंदर है जो बताया जा रहा है।
दोस्तों क्वार्टर्स में जो कहीं पर भी हो सकता है बैठी नहीं चाहे वो यार पिल्ला बैठ रहा है एकदम बंद होते एकदम बंद होते चारों तरफ है मोटो ना गए तो हां तो बोल दो खींचे थोड़ा सी बार अच्छा ये रूम नॉट इन बड़ी की है अरे है बड़ी की है कौन दोस्तों शायद कोबरा स्नेक गए जो इसी के अंदर यहाँ पर चला गए हैं ये एक और यहाँ छोटा सा बनाया गया सामान लो मैं आया भाई जी थोड़ा मैं चार साइड में कर दो थे मैं नाट कौन नाट कौन मैं क्यों रहा नहीं हाँ वो कलर फटो खोल दे एक बार कौन काट लो थोड़ा साइड में कर दो दोस्तों कोबरा स्नेक यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है कुछ है जो आवाजें आ रही है टॉर्च लाओ ना इधर दोस्तों चारों तरफ है जो नजरें जमाए रखे कहीं पर भी इसके अंदर खतरा हो सकता है अंधेरा भी है और बहुत ज्यादा है जो सामान भी रखा हुआ है आप एक बार नजर दौड़ाइए अंदर देखिए काफी सामान भी पड़ा हुआ है और टॉर्च की व्यवस्था की जा रही है टॉर्च की दोस्तों व्यवस्था की जा रही है ताकि यहाँ से जो कोबरा को
मिनट ठीक हमारी आंखों के सामने आ चुका है। बड़ा ही छुट्टी दोस्तों और काफी दिनों से है जो काफी टाइम से यहाँ पर आ रहा है ये इसको लेकर चलते हैं बाहर। कितने एक दिन हो गए दोस्तों उसको डिब्बे के अंदर बंद और लेकर चलेंगे जंगल में रिलीज करने के लिए। ऐसे दोस्तों बेजुबान जीवों को बचाए रखने मारे नहीं प्रकृति और प्रजान से बहुत ही प्यारे मित्र हैं। ऐसे बेजुबानों को दोस्तों बचाए रखने मारे नहीं प्रकृति और पर्यावरण के मारे बहुत ही प्यारे मित्र।